हेलो टू ऑल माय लिसनर्स एंड अगेन वेलकम टू द लर्निंग जोन चैनल। मैं मोनिका आप सभी का अपने द लर्निंग जोन चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सो आज हम फ्रेंड्स हिस्ट्री के क्लास 8 का थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इससे पहले के चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। कंपनी दीवान बन गई, दीवान बन गई, दीवान बन गई मतलब कंपनी को भारत के शासकों के द्वारा, राजाओं के द्वारा उनको दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए गए। 12 अगस्त, देखिए अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लाइन को नोट करते जाइएगा, उनको अंडरलाइन करते जाइएगा और वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा अगर मैं थोड़ी ज़्यादा फास्ट हो जाऊँ तो। सो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। तो 1765 12th ऑफ अगस्त को मुगल बादशाह मतलब उस समय जो मुगल साम्राज्य चल रहा था उसके जो शासक थे, तो वहाँ पर, और वो शासक कौन थे, वो थे बादशाह शाह आलम सेकेंड द्वितीय। तो उन्होंने अंग्रेज़ों को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिए बंगाल के। दीवानी अधिकार मतलब लैंड रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, ये इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है कि कौन से उस समय शासक थे मुगल बादशाह, कौन से मुगल शासक उस समय वहाँ राज, जिनका शासन चल रहा था बंगाल में, लेकिन मैं आप लोगों को नेम बता देती हूँ आगे के लिए बहुत काम आएगा। तो शाह आलम द्वितीय ने उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया, यानी कि भू राजस्व का, लैंड रेवेन्यू का जो अधिकार था वो कंपनी को दे दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए इस चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ऊपर चित्र कौन सा दिया हुआ, ये वाला, ये जो पिक्चर दी हुई है इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब कोई ओकेजन है और कुछ फंक्शन चल रहा है, पार्टी चल रही है। तो इसमें दिखाया गया है कि मुट्ठी भर अंग्रेजों यानी कि कुछ अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव का जो तंबू था, जो एरिया था, वहां पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ मुगल शासक और कंपनी के द्वारा। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। तो ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर है, वो रॉबर्ट क्लाइव के एक ऐसे पेंटर ने बनाया है जो कि रॉबर्ट क्लाइव की जीवन की विभिन्न घटनाओं को ही पोर्ट्रेट करते थे, उनकी इमेजेस बनाते थे, पिक्चर बनाते थे। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। अब बंगाल का दीवानी अधिकार, लैंड रेवेन्यू का जो अधिकार था, कंपनी को मिला था, वो उनके लिए कोई छोटी मोटी एक बात नहीं थी, काफ़ी एक बड़ी, उनके लिए एक खुशखबरी थी कह सकते हैं, एक बड़ी घटना थी, काफ़ी उन्हें एक भारत पर शासन करने का एक जरिया हासिल हो गया था। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब ऑब्वियसली बात है, जब मुगल शासक ने कंपनी को उन पर राज करने का अधिकार दे दिया, तो अब आर्थिक मामलों के जितने भी जो अधिकार थे वो कंपनी के पास चले गए, अब वो उनकी शासक बन गई। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। अब कंपनी को क्या करना था, उन्हें अपना शासन किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से भारतीयों पर राज किया जाए जो एरिया उनके कंट्रोल में आ चुका था, और वहाँ की आमदनी को, वहाँ की जो इनकम थी उसको वो कैसे अरेंज करते, अब ये उन्हें सोचना था, इस चीज़ का उन्हें रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके, और उन्हें ऐसे कोई ऐसा कोई रास्ता निकालना था जिससे कंपनी के जो खर्चे हो रहे थे इतने सारे, मतलब वो बाहर से, उनकी कंट्री से रुपये ना आकर के, चीज़ें ना आकर के, वो वहीं की वहीं अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर लें, समझा, सारे खर्चे अपने निकाल लें।
व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। अब ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो व्यापार के उद्देश्य से आई थी भारत, बिजनेस के लिए आई थी, तो एक वो एक बिजनेस कंपनी थी, तो उसे इस चीज का भी ध्यान रखना था कि हम केवल शासन में ही ना फंसे रहे, हमें बिजनेस भी अपना कंटिन्यू करना होगा, भारत से चीजें ले जानी होगी, कुछ लेके आनी होगी। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें ये काम भी करते रहना होगा। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। टाइम बीतता गया, कंपनी को यह समझ में आने लगा कि हमें बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत केयरफुली हमें ये सारे डिसीजंस लेने होंगे, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके लिए इंडिया के शासन को चलाना, या फिर कह सकते हैं जो भी पार्ट उनके पास था उसके शासन को चलाना, वहाँ के रीति रिवाजों को समझना, वहाँ के रेवेन्यू सिस्टम को समझना, लोग किस तरह से काम करते हैं, क्या मतलब कह सकते हैं, वो उनके लिए पूरी तरह से नया था, कंप्लीटली नया था उन लोगों के लिए। तो उन्हें बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमसे और पता चले कि हमारा खेल खत्म हो जाए पहले ही। ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उन्हें सावधानी पूर्वक काम करना था, उन्हें उन लोगों को भी शांत करना था जो गांव और देहात में पहले से शासन चला रहे थे, उनका काफी सम्मान था वहां पर। वो लोग विरोधी थे, उनके विरोध कर रहे थे कि किस किस तरह से, मतलब मुगल जो शासक है उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दे दी कंपनी को। तो उनको भी शांत रखते हुए मामले को एकदम मतलब स्मूथली आगे बढ़ाना था उन्हें। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भाई हमें अपने कंट्रोल में सारी चीजें लेनी है, तो सावधानी पूर्वक सारी चीजें हमें करनी होगी कंट्रोल में अपने, उन्हें पूरी तरह से हम हटा नहीं सकते जड़ से, वरना तो फिर विद्रोह हो जाएगा पहले से ही। अब यह काम कैसे हो, तो इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। उपनिवेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये उपनिवेश जिसका अर्थ होता है कॉलोनी, मतलब पूरा की पूरा साम्राज्य बना लेना। किसकी कॉलोनी? अब अंग्रेज, ब्रिटिशर्स अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, यानी कि अपनी कॉलोनी, अपना पूरा साम्राज्य बनाना चाहते थे। तो अब वो ये सोचने लगे थे कि अब हम यहाँ पर कैसे बसें, कैसे हम यहाँ पे सेटल हों और सभी चीजें अपने कंट्रोल में लें धीरे धीरे, आय के संसाधन कैसे जुटाएं, हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं वहां पर, लोगों के अधिकार किस तरह से तय करें, लोगों के जो अधिकार हैं उनके जो राइट्स हैं वो किस तरह से हम डिसाइड करें, और मन माफिक फसलों की खेती कैसे करवाएं, और उन फसलों की खेती कैसे करवाएं जिसकी कंपनी चाहती थी, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे। तो यहाँ से अब मेन जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कंपनी की आमदनी, यानी कि इनकम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, मतलब दीवानी अधिकार तो आ गए थे कंपनी के पास, दीवानी मतलब जो रुपए पैसे से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड जो अधिकार थे वो सब आ गए थे, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी मानती थी। लेकिन कंपनी जो थी, अब वो कंपनी थी, बिजनेस कंपनी थी, व्यापार के लिए भारत आई थी, तो शासन चलाने के साथ साथ उनके दिमाग में एक चीज भी थी कि हम कैसे बिजनेस भी करें यहाँ पर। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। कंपनी भारी भरकम टैक्स चाहती थी अपने एरिया में, जहां पे बंगाल का जो शासन था वो कंपनी को जो मिल गया था वहां से, वो भारी भरकम लगान वसूल करना चाहती थी, लेकिन अब उसको किया कैसे जाए, उसको उसकी मतलब व्यवस्था कैसे जाए की जाए, एक उसको करने में वो कुछ हिचकिचा रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कुछ। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। अब पहले क्या था, पहले सूती जो कपड़ा था, रेशमी, वो भारत से एक्सपोर्ट होता था बाहर की कंट्रीज के लिए, तो बाहर जाकर के वो उन्हें बहुत महंगा पड़ता था। तो अब वो ये सोचने लगे कि अब हम कैसे करें कि हमें कम कीमत में ये सूती और रेशमी वस्त्र, इनकी कीमत कम कीमत पे हम ये खरीदें और ज्यादा से ज्यादा
टैक्स वसूल करें, राजस्व लगान हासिल करें। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। तो अब विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर अंदर जब कंपनी ने कंट्रोल कर लिया था बंगाल पर, उसके 5 साल में ही कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। अब कंपनी के द्वारा जो चीजें वहां पे खरीदी जाती थी उनका जो कॉस्ट था वो उन्होंने डबल कर दिया था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले में सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। पहले क्या था, 1865 जो टाइम है इसको याद रखिएगा, 1865 से पहले जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करती थी। अब भाई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लेन देन दोनों चीजें होती है, ऐसा तो नहीं है भैया हम लेते ही लेते जाएंगे दे तुझे कुछ भी नहीं रहे हम, तो ये बिजनेस तो नहीं होता है। बिजनेस में क्या होता है कि कुछ हम तुम्हें देते हैं कुछ तुम हमें दो। तो पहले जो कंपनी थी वो ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी, मींस इंपोर्ट करती थी इंडिया में, और सोने और चांदी के बदले में वो अपनी मनपसंद का सामान जो वो चाहती थी वहां से खरीद के, इंडिया से खरीद के ले जाती थी। लेकिन अब क्या था, अब बंगाल पे उनका कंट्रोल था। अब बंगाल में इकट्ठे होने वाले पैसे से ही जो वो टैक्स वसूल रहे थे, जो भी जिस भी तरह से वो अपनी इनकम बढ़ा रहे थे, अब मतलब था भारत का ही वो रुपया, इंडिया की चीजों से ही इंडिया के ये सामान को बहुत सस्ते में खरीद करके वो बाहर ले जा करके महंगे में बेचने लगे, ऐसी वो साजिश करने लगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं आपसे वो एक कोई सामान खरीदू, मान लीजिए एक सूती वस्त्र का कपड़ा, मतलब सूती वस्त्र ही खरीदू, तो जिसे हम कॉटन कह सकते हैं, बहुत सस्ते में खरीद लूँ मैं आपसे, इंडिया की ही है वो, ठीक है, और उसमें ही मतलब इंडिया में ही वो पैदा हुई है, तो वहां पे वो चीज सस्ती होनी चाहिए। तो अंग्रेज कंपनी जो थी वो क्या करने लगी, सस्ते में भारत से सामान को खरीदने लगी, और अपनी कंट्री में जाकर के कच्चे माल के रूप में वो भारत से खरीदती थी, अपनी कंट्री में जाकर के उन्हें वो बना बनू करके कपड़ों को वापस इंडिया लेकर के आते थे, और उन्हें बहुत ज्यादा कीमतों पर वो बेचने लगे, भारत के ही सामान को भारत में ही बेचने लगे, वो भी ज्यादा कीमतों पर। बंगाल से जो उन्हें पैसे इकट्ठा हो रहा था वो अब सोचने लगे कि हम उसी से बिजनेस करेंगे, उसको भारत के ऊपर ही खर्च ना करके, बंगाल के ऊपर ही खर्च ना करके वो अपना फायदा सोचने लगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सोचने लगे। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है, और ये जाहिर होने में टाइम नहीं लगा कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही गहरे संकट में फंसती जा रही है, मतलब अब परेशानी भैया बढ़ने वाली है। कारीगर गांव छोड़ छोड़ करके भागने लगे, कारीगर जो थे उन्हें उतनी भी मुनाफा नहीं होता था जितनी उनकी मेहनत होती थी, उन्हें वो रेट भी उन्हें नहीं मिलते थे अपने कच्चे माल के, तो अब कारीगरों ने काम करना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया, वो गांव छोड़ छोड़ करके भागने लगे कि भैया इस गांव में हमारा अब कुछ भी नहीं है ना, हम अपना कुछ काम धंधा कर पा रहे हैं, लगान बहुत भारी मात्रा में देना पड़ रहा है, तो वो गांव छोड़ छोड़ करके भागने लगे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजों को कंपनी को जबरदस्ती बेचना पड़ता था, कि अपनी ही कीमतों को वो कंपनी जो थी वो मन माफिक अपने रुपयों के हिसाब से वो उनसे चीजें खरीदती थी बहुत कम कीमतों पर। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, अब जो लगान उन्होंने लगा दिया था कंपनी ने, उसको भी वो चुकाने पर असमर्थ थे जो किसान थे। कारीगरों का उत्पादन गिरता जा रहा था, कारीगर जो थे जो बना रहे थे चीजों को उनका उत्पादन गिरता जा रहा था, क्योंकि उन्हें अपनी जो सामान था वो सही कीमत नहीं मिल पा रही थी, तो वो आगे अपने उन रुपयों को अपने बिजनेस में नहीं लगा पा रहे थे, तो वो अपने गांव को छोड़ छोड़ अपने काम को छोड़ के अपने गांव को छोड़ करके जा रहे थे, तो जिससे कि जो उत्पादन था जो प्रोडक्शन था सामान का वो कम होता जा रहा था, और खेती भी चौपट होने की दिशा में बढ़ गई थी, बढ़ रही थी, ठीक है। हाँ ये देखिए इसको पढ़ते हैं, कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा बुरा असर पड़ा, कारीगर अपने सामानों को प्रोडक्शन करके
मार्केट में बेचने आते थे और अपने ज़रूरत की सामान जो था, जो चीज़ें थी, वो बदले में खरीद के ले जाते थे, और थोड़े बहुत जो उन्हें रुपए मिलते थे अपने सामान को बेच करके वो बचाते थे। लेकिन इन सब चीज़ों से उनके जो काम था उस पर भारी संकट पड़ा और बाजारों पर भी बुरा असर पड़ने लगा। खेती भी चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में बड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत, 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। अब 1770 में अकाल पड़ा बंगाल में, जिससे कि 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई, और इस अकाल में बंगाल की 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो समाप्त हो गई। खाने पीने को नहीं मिल रहा था उन्हें, अकाल पड़ गया, भुखमरी फैल गई। नेक्स्ट पैरा इस खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? अब ये बताइए, जो कंपनी थी वो अपने पूरा पूरा बिजनेस भारतीय बाजारों से कर रही थी, मार्केट से कर रही थी, ठीक है? अब जब मार्केट ही संकट में आ गया, खेती संकट में आ गई, तो अब कंपनी को भी अपने भैया टैक्स का जो राजस्व, जो लगान वसूल करते थे, अब उसके जो टेंशन हो गई उन्हें कि भैया अब ये हमें कैसे मिलेगा, इसमें कमी होने लग जाएगी। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। तो अब उन्हें यह लगने लगा कि हमें खेती में सुधार लाना बहुत जरूरी है, और जो अपने जो व्यापार का जो थोड़ा सा हिस्सा है, जो रुपए हैं, वो खेती में हमें इन्वेस्ट करने चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए चीजों को, मार्केट में सुधार लाने के लिए, खेती में सुधार लाने के लिए। यह काम किस तरह किया जा सकता था? अब ये सवाल था कि भैया ये काम करें कैसे, कंपनी कैसे वो चीजें संभाले जो सब कुछ गड़बड़ हो रही थी। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। 1793 में स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन सकता है ये कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, 1793 में। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि स्थायी बंदोबस्त होता क्या है। स्थायी बंदोबस्त होता है, यह बंगाल के जमींदारों और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ। मतलब बंगाल के जो जमींदार लोग थे और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत जमींदारों को अपनी भूमि का को एक निश्चित राजस्व की राशि कंपनी को देनी होती थी, और वो नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीनें जो थी, जमींदारियां, उनकी नीलाम कर दी जाती थी, बंगाल और बिहार की। तो ये था स्थायी बंदोबस्त, मीन्स कंपनी और जमींदारों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत जो जमींदार होते थे उन्हें एक निश्चित स्थायी, मतलब ना कम ना ज्यादा, भैया और अंग्रेज तो थे चतुर चालाक, तो उन्होंने कम तो नहीं रखा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा ही रखा होगा अपने फायदे को देखते हुए। तो उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया कि इतना हमें लगान चाहिए, और अगर जो नहीं दे पाते थे तो उनकी जिम्मेदारियां, उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी के द्वारा। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जो तालुकदार थे, जो जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, तो उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उन्हें क्या जिम्मा सौंपा गया कि किसानों से तुम लगान वसूल करो और कंपनी को राजस्व दो। अब जमींदार जो होते थे वो बड़े बड़े जो लोग थे, अब इसमें बीच में पिसा कौन? पिसे किसान, क्योंकि किसानों को जमींदारों को लगान देना पड़ता था। तो जमींदार इस हिसाब से उनसे लगान लेते थे कि उनका खुद का अपना बीज का फायदा भी हो जाए, और वो जितने कंपनी के द्वारा उनसे वसूलने हैं, मांगे गए हैं, वो उनको भी दे सकें। तो अब इसमें बीच में परेशानी उठानी पड़ रही थी किसको? किसानों को। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। जो किसानों को जो राशि जमींदारों को देनी थी वो तय निश्चित कर दी गई थी कि भाई इतनी इतनी राशि देनी है, और वो किस हिसाब से दी गई थी ये भी इसमें आगे दिया हुआ है, पढ़ते हैं हम। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। कंपनी ने ये डिसाइड कर दिया कि इतना राजस्व आप हमें देंगे और इतना ही देते रहेंगे, मतलब हम फ्यूचर में बढ़ाएंगे नहीं आगे।
अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। अंग्रेजों को क्या लगा कि हमें टाइम टू टाइम राजस्व मिलता रहेगा इतना, जिससे हमारे सारे फायदे होते रहेंगे, हमारे बिजनेस होते रहेंगे, और जो जमींदार थे उन्हें भी जो किसानों से लगान मिलेगा, तो इस लालच में वो भी इस फायदे को देखते हुए वो भी किसानों में खेती में सुधार करने की कोशिश करेंगे, प्रोत्साहन मिलेगा मतलब। तो उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। उन्हें लगता था राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, मतलब कंपनी ने तो डिसाइड कर दिया था कि स्थायी बंदोबस्त है, हम नियमित रूप से इतने ही लेंगे, बढ़ाएंगे नहीं आगे फ्यूचर में। तो अब इससे अगर जमीन में इनकम होती थी, बढ़ती थी, तो वो बढ़ी हुई भी राजस्व जो थे वो किसानों से लेते थे, तो इसमें फायदा जमींदारों का बीच में होना है, ऐसा कंपनी को लगा। नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया। हाँ उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन के फायदे में रहेंगे। ठीक है, अब इसमें समस्या क्या पैदा हुई? अब कोई ना कोई चीज हो, प्रॉब्लम हर एक चीज में होती है, इसमें क्या समस्या पैदा होने लगी? स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। अब कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। कंपनी के जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये पाया कि जमींदार राजस्व वसूल कर रहे हैं, कर वसूल कर रहे हैं, लगान ले रहे हैं किसानों से जिस भी हिसाब से वो ले डिसाइड था उनमें, लेकिन वो अब उसको बढ़ाने के लिए आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। वो मतलब लेते जा रहे हैं बस, कर कुछ नहीं रहे हैं। असल में कंपनी ने भी राजस्व तय किया था, वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी, और कंपनी ने भी जो राजस्व था वो इतना ज्यादा बढ़ा, मतलब पहले ही बोल दिया था कि इतना हमें चाहिए, कि जमींदारों को भी उन्हें चुकाने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि अब किसान तो बीच में पिसी रहे थे, किसानों की जो थी वो इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, खेती की दशा गिरती जा रही थी, तो वो भी इतना इतना जो थे वो लगान नहीं दे पा रहे थे जमींदारों को। अब जमींदारों को भाई डिसाइड कर दिया कि हमें तो इतना चाहिए कंपनी ने, तो अब वो उनको भी परेशानी झेलनी पड़ रही थी भारी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी उनसे, और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी, नीलाम कर दिया था उन्होंने। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे, बाजार में कीमतें बढ़ी। अब 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे, बाजार में कीमतें बढ़ने लगी थी सामान की, और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा, और खेती का भी अब धीरे धीरे विस्तार होने लगा क्योंकि कंपनी को ये लगा कि खेती से उन्हें फायदा हो सकता है, तो वो उसका विस्तार करने लगे। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी का को कोई फायदा नहीं हुआ। जमींदारों की जो आमदनी थी खेती के विस्तार से वो बढ़ रही थी, लेकिन कंपनी को कुछ खास फायदा नहीं नजर आया इसमें, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब कंपनी तो राजस्व हमेशा के लिए तय कर चुकी थी, बीच में जमींदारों को फायदा हो रहा था, तो अब फिर से उन्हें टेंशन हो गई कि अब भाई बीच में जमींदारों को फायदा हो रहा है, हमने तो अपना राजस्व बिल्कुल मतलब सर्टेन कर दिया है, कि निश्चित कर दिया कि हमें इतना ही चाहिए, अब फायदा हो रहा है तो हम नहीं ले पा रहे हैं उस फायदे को, तो अब उन्हें ये बात से समस्या पैदा होने लगी कंपनी में। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, अब पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था कि स्थायी बंदोबस्त था तो इतना राजस्व देना ही देना है, बढ़ाएंगे नहीं हम फ्यूचर में, तो अब ये बात वो सोचने लगे कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, अब हम बढ़ा नहीं सकते राजस्व को। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जमींदार जो थे वो फायदा उठा रहे थे, प्रॉफिट हो रहा था उन्हें, किसान उन्हें राजस्व दे रहे थे उसी हिसाब से लगान दे रहे थे, तो लेकिन फिर भी जमींदार खेती को आगे बढ़ाने के लिए या फिर किसानों की सहायता के लिए कुछ स्पेशल मतलब उन्होंने ऐसे कदम नहीं उठाए, खास कुछ किया नहीं उन्होंने। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे, कुछ जमींदार ऐसे थे जो राजस्व नहीं दे पाए थे कंपनी को जितना तय किया गया था, तो वो अपनी पहले ही जमींदारी गंवा चुके थे। जो बचे कुचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी,
अब जमींदारों को क्या मतलब मजे आ रहे थे बड़े, फायदा उन्हें ये लगा कि हमें कुछ करना तो पड़ रहा नहीं है, हम पूरा पूरा मतलब फायदा उठा रहे हैं चीजों का, कोई खतरा है नहीं, जितना हो रहा है हम लगान जो है वो राजस्व है वो कंपनी को दे रहे हैं, निश्चित तय कर दिया है उन्होंने ये, आगे हमें कुछ ज्यादा उनको देना नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि हम बढ़ाएंगे नहीं इसको। अब उन्हें ये भी उम्मीद नजर आ रही थी जमींदारों को कि हमारा फायदा है, कोई नुकसान की बात नहीं है इसमें। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। जब तक मतलब जमींदार किसानों से वसूल कर रहे थे लगान को, तब तक उन्हें मतलब टेंशन ही नहीं थी कि हम कुछ करें, वो आराम से मजे से बैठ के खा पी रहे थे अपने, मतलब सुख के सुख भरे दिन आए रे भैया वो वाली बात थी, वो मजे ले रहे थे। अब टेंशन हो रही थी तो कंपनी को बीच में, कंपनी को, और हो रही थी किसानों को कि जो फार्मर्स थे उनको परेशानी हो रही थी, उन्हें सारा काम करना पड़ता था, साथ में लगान देना पड़ता था जमींदारों को, और फायदा उन्हें कुछ खास हो नहीं रहा था, और बीच में मजे ले रहे थे जमींदार। अंग्रेज बन गए थे ये बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरी तरफ गांव में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को जो व्यवस्था थी, सायो बंदोबस्त, वो पसंद नहीं आई थी। उन्हें नजर आने लगा था कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए नुकसानदायक ये चीज। किसान को जो लगान चुकाना पड़ता था वो बहुत ज्यादा था। अब जमींदार इतने तो सीधे होते नहीं थे कि किसान किसानों से थोड़ा बहुत कुछ ले लें और अपनी तरफ से मिला करके अंग्रेजों को दे दें। वो पूरा पूरा अपने फायदे को भी देखते हुए किसानों से इतना ज्यादा लगान वसूलते थे कि वो किसानों को देना भारी पड़ जाता था, उनको बहुत परेशानी होती थी। बहुत ज्यादा वो राजस्व था जो जमींदार वसूल रहे थे किसानों से, और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, और उनका अधिकार भी इवन सुरक्षित नहीं था कि ये जमीन तो हमारी है ही, ऐसा भी कुछ नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अब किसानों को लगान तो चुकाना पड़ता था, लगान नहीं चुकाते थे तो उनके लिए परेशानी होती थी, उन्हें मारा पीटा भी जाता था, उनसे उनकी जमीन छीन ली जाती थी, तो अब वो दूसरे महाजनों से वो कर्जा लेने लगे। कर्जा लेते थे तभी वो आगे जमींदारों को चुका पाते थे, अगर वे लगान नहीं चुका पाते थे तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। उनकी जो पुश्तैनी जमीन होती थी उससे उन्हें बेदखल कर दिया जाता था किसानों को। इसके ऊपर एक मूवी भी है लगान, आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी, कुछ तो समझ में आए गई उस मूवी को देख करके। एक नई व्यवस्था, एक नई व्यवस्था। तो अब जब उनको लगा कि जो स्थायी बंदोबस्त वाली जो व्यवस्था कंपनी के द्वारा की गई है उसमें वो सफल नहीं हो पा रही है, मतलब जैसे वो चाहते थे, जिस जो रिजल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पा रहे थे, तो अब वो खुश नहीं थे। मतलब पहले तो उन्हें लगा काफी कि सब कुछ सही है, लेकिन बाद में वो लगा कि जमींदारों को इस चीज का फायदा हो रहा है और हम अपने राजस्व को बढ़ा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमने पहले ही बोल दिया था कि वो स्थायी है, हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे कभी भी। तो अब उस चीज की असफलता उन्हें फील होने लगी, तो एक नई व्यवस्था लागू करने की उन्होंने सोचा। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि कंपनी के जो अधिकारी थे उन्हें अब इस चीज का फील होने लगा था कि अब इसमें कोई चेंज लाना जरूरी है, बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की जरूरत हो तो वे स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे कर सकते हैं। अब उन्हें इस चीज का पता चल चुका था कि उन्हें अपने पूरे पूरे खर्चे भी चलाने हैं। अब ऑब्वियसली जब कोई बिजनेस करेगा तो वो प्रॉफिट भी लेना चाहेगा उसका, तो अब ये देख रहे हैं कि व्यापार करने के लिए, शासन चलाने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए हमें और पैसों की जरूरत है, तो स्थायी बंदोबस्त से तो काम नहीं चलने वाला है, तो इसलिए नई व्यवस्था उन्होंने लाने की सोची। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों जो अब उत्तर प्रदेश में है के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया।
मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। अब मैकेंजी को ये फील होने लगा कि अब हम मतलब एक गांव में, ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पे कोई नई व्यवस्था लागू करें, क्योंकि ग्राम जो है, गांव है, वो उत्तर भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, संस्था है, उसे बचाए रखना चाहिए। उनके उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। तो अब मैकेंजी के आदेश पर विभिन्न कलेक्टरों ने क्या किया, अब उत्तर जो भारत था, उस मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के जो उत्तर पश्चिमी जो प्रांत थे, उसके गांव गांव का दौरा किया। गांव का दौरा करके वहां की जो जमीनें थी, जो खेत थे, उनको जांचा, खेतों को नापा कि ये किस व्यक्ति के पास कितना खेत है, किस व्यक्ति के पास कितना खेत है, और उनके जो रीति रिवाज हैं विभिन्न, उनको दर्ज किया। मतलब उनको, मतलब एक खाका तैयार किया, एक मेंटेन किया सारे रिकॉर्ड्स को। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसे महाल भी कहा जाता है, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। अब क्या हुआ, जब ये सब चीजें कलेक्टरों के द्वारा नाप ली गई, तो अब देखा गया कि एक गांव के अंदर कितने खेत हैं, और उन बहुत ज्यादा ग्राम समूह यानी कि महल सॉरी, तो मतलब उसमें कितने गांव आ रहे हैं, उस समूह में वहां पे कितनी जमीनें हैं, उनसे कितना राजस्व निकाला जा सकता है, भूमि जो उन्होंने मापी थी उसके हिसाब से। मतलब अब उन्होंने फिक्स नहीं किया कि किसी के छोटा खेत है, कि किसी का बड़ा खेत है, किसी के पास अधिक जमीन है, किसी के पास कम जमीन है, तो इनको इक्वल राजस्व देना है। अब उन्होंने जमीन की माप के अनुसार, वहाँ के रीति रिवाजों और मतलब जो भी उन्होंने किया था उसके हिसाब से उन्होंने अब राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया। अब वो ये व्यवस्था लेकर के आए कि अब इस राजस्व को उन्होंने स्थायी रूप से व्यवस्थित नहीं किया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी। आप देखिए कि उन्होंने क्या नई नीति अपनाई। पहले स्थायी बंदोबस्त था, तो उन्हें फील हो गया था कि अब स्थायी बंदोबस्त से तो काम नहीं चलेगा भैया, क्योंकि राजस्व घटता बढ़ता रह सकता है, हमें कभी ज्यादा भी चाहिए होता है। तो अब उन्होंने संशोधन की व्यवस्था कर दी कि इसमें हम जब चाहे संशोधन कर सकते हैं, मीन्स उसको संशोधित कर सकते हैं, मतलब उसमें हम कोई भी किसी भी प्रकार के चेंज ला सकते हैं जब हमारी मर्जी होगी, हमें ठीक लगेगा। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। अब राजस्व को इकट्ठा करने का जिम्मा जमींदारों की जगह कंपनी ने गांव के मुखियाओं को सौंप दिया। इस व्यवस्था को जमींदार की बजाय, हाँ ओके, तो इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। महाल इसलिए क्योंकि महाल जो बोलते थे वो ग्राम समूह को बोलते थे, तो ग्राम समूह यानी कि महाल, तब उन्होंने महाल वारी बंदोबस्त इस व्यवस्था का नामकरण कर दिया। मुनरो व्यवस्था, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। अब ब्रिटिश नियंत्रण में, कंपनी के नियंत्रण में जितने भी दक्षिण भारतीय इलाके थे, वहां पे भी इस नई व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया गया, लाने का प्रयास किया गया। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया, और वहां पे जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। तो कैप्टन अलेक्जेंडर जो थे उस समय, टीपू सुल्तान के साथ उनके उस समय युद्ध चल रहे थे, तो उसके बाद में कंपनियों द्वारा जो कब्जे में लिए गए थे जो इलाके, वहां पे इस व्यवस्था को आजमा करके भी देख लिया था, मतलब इस व्यवस्था को फॉलो कर दिया था उन जगहों पर भी। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था। कौन सी व्यवस्था को? रैयतवारी व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने विकसित किया था, इसलिए इसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता था। और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई, और ये जो रैयतवारी थी वो धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, वहां पे ये पूरी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। रीड
रीड मीन्स कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, और मुनरो, थॉमस मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी कि रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, और जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो अब इन दोनों को लगा कि यहाँ पे परंपरागत जमीन तो है नहीं, किसी के जमींदार नहीं थे, तो उनका उनको ये मानना था कि किसानों से अब सीधे बंदोबस्त लिया जाए, जो कि सालों से, पीढ़ियों से इवन यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उनको लगा कि राजस्व आकलन करने से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से परीक्षण करना चाहिए, मतलब पूरा उसका एनालिसिस करना चाहिए जमीन का उसका। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को एक पिता की भांति संरक्षण देना चाहिए, किसानों को उनकी रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ भी हम काम कर लें, कोई ना कोई परेशानी उसमें होती ही है। अब ये जो रैतवारी व्यवस्था, बंदोबस्त व्यवस्था जो लाई गई थी, इसमें भी कंपनी के साथ अब बहुत सारी परेशानियां आने लगी, उन्हें परेशानियां दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या परेशानी हुई कि राजस्व बढ़ाने के चक्कर में कंपनी ने राजस्व इतना ज्यादा ले लिया, वसूल करने की कोशिश की, बढ़ा दिया इतना कि वो चुका नहीं पा रहे थे किसान उनके राजस्व को। हालांकि इस बार अब बीच में से जमींदार हट गए थे, सीधे किसानों से ही कंपनी राजस्व वसूल कर रही थी, इसलिए इसका नाम महाल बंदोबस्त, रैतवारी बंदोबस्त भी नाम दिया गया था। लेकिन राजस्व बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा उन्होंने राजस्व तय कर दिया था, किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से जो किसान थे जिनके साथ राजस्व तय किया गया था, वो अब गांव छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें इस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों का, कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए दूसरे लोगों से कर्जा लेना पड़ता था। अब उनका भी, उनको भी राजस्व दो और दूसरों का कर्जा भी अपने सर पे चढ़ा लो, तो उनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। तो इस चक्कर में जो किसान थे वो गांव छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे, जिससे कि बहुत से ऐसे गांव थे जो पूरी तरह से खाली हो चुके थे, पूरे वीरान हो चुके थे, मतलब लोग सब चले गए थे गांव छोड़ छोड़ करके। और आशावादी जो अफसर थे कुछ, उनको उम्मीद थी कि जो नई व्यवस्था है ये मतलब किसानों के लिए अच्छी रहेगी, उद्यमशील बनाएगी किसानों को, लेकिन उनकी भी जो ये जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई, सफलता नहीं मिली उन्हें इसमें, इस व्यवस्था में भी। यूरोप के लिए फसलें, अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। अब कंपनी को, जो बड़े जो अधिकारी थे, अफसर्स थे, उनको क्या लगा कि किसान के अलावा, किसानी मतलब फसलों के अलावा, राजस्व प्रदान करने के साथ साथ उन गांवों में ऐसी फसलें भी पैदा की जा सकती हैं जिससे उन्हें फायदा हो, यानी कि अपनी मनचाहे वो फसलें पैदा करवा सकते हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। 18वीं 18 सेंचुरी के एंड तक अंग्रेजों ने, कंपनी ने अफीम की और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया, मतलब इनकी खेती, मतलब इन्हीं की, दोनों की खेती में फोकस किया, क्योंकि इनसे उन्हें बहुत बेनिफिट हो रहा था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, और इसके 150 साल बाद तक, 150 साल, सच अ लॉन्ग पीरियड, 150 साल तक अंग्रेज किसानों को फोर्सफुली अपनी मन मर्जी के मुताबिक कोई ना कोई फसल उगाने के लिए, पैदा करने के लिए मजबूर करते रहे। और जिनमें थे बंगाल में पटसन, बंगाल में वो किसानों को पटसन पैदा करने के लिए फोर्स कर रहे थे, असम में चाय,
संयुक्त प्रांत जो कि अभी उत्तर प्रदेश है, वहां पे गन्ना पैदा करने के लिए किसानों को फोर्स किया जा रहा था, पंजाब में गेहूं पैदा करवाए जा रहे थे जबरदस्ती, चाहे भाई किसानों की कुछ और मर्जी हो कि हम इससे हमें फायदा होगा कि हम ये उपज कर लें, नहीं, कंपनी को जो ठीक लगा उन्होंने वही किसानों से फसलों को पैदा करवाने के लिए फोर्स किया, जिसमें महाराष्ट्र पंजाब में कपास की खेती करवाई गई, मद्रास में चावल की खेती करवाई गई। ये कुछ स्टेट्स हैं जो मुख्य हैं जहाँ पे कंपनी ने फोर्सफुली किसानों से इन फसलों को पैदा करवाया था, मतलब उगवाया था धरती कि तुम इन्हीं की खेती करो बस, कोई और फसल की नहीं। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए, उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए कि अपनी जो जरूरत के हिसाब से जो फसलें हैं वो किस तरह से उत्पन्न की जाएं। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की एक ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह समझते हैं, जिसमें से हम एक फसल जो उन्होंने जबरदस्ती जिसकी खेती करवा रहे थे किसानों से, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या रंग का भी कोई इतिहास होता है? अब आप सोचेंगे कि क्या किसी कलर की भी कोई हिस्ट्री होती है क्या? तो चित्र 5 और 6 में सूती कपड़ों के छापों की 2 तस्वीर दी गई है, यह है चित्र 5 और यह है चित्र 6। यहाँ पे 2 कॉटन के जो प्रिंट हैं ये कपड़े वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। बाई तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकारों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश के जो बुनकार थे उनके द्वारा कलमकारी के छापे हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं, और ये मॉरिस द्वारा बनाए हुए फूल वाले छापे हैं जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे। दोनों छापों में एक बात समान है, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, एक चीज कॉमन है, और वो है गहरा नीला रंग, यानी कि डार्क ब्लू कलर इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही छापों में, दोनों ही पिक्चर्स में आप देख सकते हैं ब्लू कलर मेन है। इसे आमतौर पर नील कहा गया जाता था, और इसे पहले क्या कहा जाता था? इसे नील कहा जाता था पहले। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह से पैदा किया गया? तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस रंग को यानी कि नील को किस तरह से पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। नील नाम का एक पौधा होता था, उससे ये मटेरियल निकाला जाता था ब्लू कलर का, जिसको कि नील नाम दिया गया। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नीले रंग के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। अब इस बात की वो बता रहे हैं कि 100% ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि जो मॉरिस ये वाला जो छापा है इसमें जो नीला रंग ब्लू कलर जो इस्तेमाल किया गया है वो भारत से ही मतलब लिया गया होगा पौधे से। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि उस समय नील जो थी वो भारत में सबसे ज्यादा पैदा होती थी, और दूसरी कंट्रीज में भी इंडिया के द्वारा ही चीजें मतलब नील एक्सपोर्ट की जाती थी, तो इसलिए संभावना थी कि मॉरिस ने भी भारत का ही नील का यूज किया है जो वहां पे है। भारतीय नील की मांग इतनी क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्मी वाले इलाकों में। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। मीन्स 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के जितने भी बड़े कपड़ा उत्पादक थे वो रंगाई के लिए भारतीय नील का ही इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश था नील का, और बहुत सारी कंट्रीज में नील एक्सपोर्ट होती थी इंडिया से, तो यूरोप के बाजारों में बहुत थोड़ी मात्रा में भारत की जो नील थी वो पहुंच पाती थी। उसकी कीमत भी अब जब थोड़ी पहुंचेगी और उसकी भाई वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो कीमतें भी उसकी बहुत ज्यादा थी उस समय यूरोप में। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर और निर्भर रहना पड़ता था। अब खपत ज्यादा है नील की, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, यूरोप में आ भी बहुत कम मात्रा में रही है, तो यूरोपियंस को बैंगनी जो कि नीले रंग से ही उसमें रेड मिलाकर के बनता है, रेड थोड़ा सा पर्पलिश कलर,
और नीला रंग बनाने के लिए एक वोर्ट नामक पौधे को उगाना पड़ता था, मतलब उसके ऊपर और डिपेंड रहना पड़ता था। तो वोर्ट पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, जो नील का जो पौधा था वो उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगता था, और जो वोर्ट का पौधा था वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। यूरोप में इसलिए आसानी से मिल जाता था क्योंकि वहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय इलाके थे। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। ये पौधा कहाँ कहाँ उगता था? उत्तरी इटली में, दक्षिणी फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। अब जब वोड पौधे से जो उत्पादक थे, जो जो नील बना रहे थे, उनका कंपटीशन किससे चल रहा था? नील से चल रहा था। नील की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, रेट भी बहुत ज़्यादा थे और खपत भी बहुत ज़्यादा थी। यूरोप के मार्केट्स में नील बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती थी। तो जो वो पौधे के जो उत्पादक थे, जो नील बनाते थे उससे, अब उन्होंने अपनी सरकार से क्या दुहाई लगाई, क्या उनसे अपील की कि आप नील के आयात पर पाबंदी लगा दो। भाई ये नील अब इम्पोर्ट नहीं होगी हमारी कंट्री में, हम वो जो पौधा जो बना रहे हैं उसी से हम काम करेंगे, क्योंकि नील की वजह से उनके जो बिजनेस था वोट पौधे से कलर निकालने का, वो मतलब तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, लेकिन जो कपड़े को जो रंगते थे, जो लोग, वो लोग वैल्यू जानते थे कि वोट पौधे की क्या है और नील की क्या है, कौन सा मटेरियल ज्यादा अच्छा है, किसमें ज्यादा बेनिफिट है। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, नील से मतलब बहुत अच्छा कलर मिलता था उन्हें, एकदम ब्राइट। और वोट से मिलने वाला रंग जो था वो बहुत बेजान और फीका था, बहुत डल था। इसलिए लोग, जो लोग उत्पादन करते थे, रंगते थे कपड़ों को, तो वो नील को ही ज्यादा पसंद करते थे। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। अब क्या था, 17वीं सदी आते आते तक यूरोपीय जो कपड़ा उत्पादक थे, अब उन्होंने अपनी सरकार से फिर अपील की कि भाई नील को, नील का आयात होने दें देश में, है ना, क्योंकि उनको तो वही पसंद थी। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। नील की खेती शुरू हो गई यहाँ पर भी। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए। उत्तरी अमेरिका में भी नील की अब खेती होने लगी। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और ज्यादा बढ़ गई। अब 18वीं शताब्दी आते आते भारतीय जो नील थी उसकी मांग और ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी इसकी। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण भी शुरू हो चुका था, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था ब्रिटेन में। कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ, कपास उत्पादन बहुत अधिक हो चुका था। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी, कपास उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है, नील का उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, कपड़ों की रंगाई की मांग और ज्यादा बढ़ने लगी, मतलब और कपड़े बनाओ और रंगो उनको। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। अब जब नील की मांग बढ़ गई, तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो आपूर्ति होती थी नील की, वो कुछ उनके अपने खुद के रीजंस की वजह से बंद हो गई। 1783-1789 के बीच में दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। 1783-1789 के बीच में अब नील का जो उत्पादन हो रहा था इतनी जोरों शोरों से, अब वो लगभग आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब ये नील कहाँ से मिल सकता था? तो ब्रिटिश के जो रंगरेज थे, रंगरेज मीन्स कपड़ा जो रंगने वाले थे, वो बहुत ही बेचैनी से नील का इंतजार कर रहे थे कि अब कहाँ से लें हम, क्योंकि अब नील की जो आपूर्ति थी वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से तो बंद हो गई थी किसी कारणों से, तो अब खपत तो ज्यादा हो रही थी, उन्हें ज्यादा रंगने होते थे कपड़े, कपास की खेती भी बढ़ गई थी, तो अब वो किसी और स्रोत की तलाश करने लगे कि अब हमें नील कहाँ से मिल सकता था।
भारत में ब्रिटेन की बड़ी दिलचस्पी। तो अब क्या हुआ, अब फिर ब्रिटेन की नजर पड़ गई भारत पर, वैसे तो पहले से ही रह रहे थे, अब उनकी इस चीज की नजर पड़ गई कि अब भाई हम नील की खेती भारत से ही हम करेंगे और अपनी कंट्री में इसको लेकर के जाएंगे, पूरा पूरा बेनिफिट लेकर के सस्ते दामों पे भारत से खरीदेंगे, फिर अपनी कंट्री ले जाएंगे, वहां पे महंगे दामों में, मतलब वहां पे उस नील का जो भी उत्पादन होगा, कपड़ों को रंगेंगे, उपयोग करेंगे, और फिर महंगे दामों में वापस भारत ला करके उनको बेचेंगे। मतलब भारत की ही चीज, भारत को ही महंगी पड़ रही है वो चीज। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। अब 18वीं सदी के आखिर तक बंगाल में नील की खेती बहुत अधिक मात्रा में होने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। अब 1788 में ब्रिटेन द्वारा जो आयात किया जा रहा था नील, एक्सपोर्ट किया जा रहा था, उसमें भारत का जो नील का जो हिस्सा था वो सिर्फ 30% था। इसका मतलब जो चीजें एक्सपोर्ट, नील जो बाकी सारी कंट्रीज में जो भारत से एक्सपोर्ट होती थी, सबसे बड़ा उत्पादक था भारत, अब क्या हुआ, ब्रिटेन जो कंपनी थी, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, वो अपने फायदे के लिए केवल 30% ही भारतीय नील को एक्सपोर्ट कर रही थी। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। अब 1810 में ब्रिटेन द्वारा, अब ब्रिटेन द्वारा जो नील का हिस्सा जो आयात किया जा रहा था, अब वो 95% हो चुका था भारतीय नील का हिस्सा। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। अब नील का जो व्यापार है वो बढ़ने लगा, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगी। तो अब जो एजेंट थे, बिजनेस एजेंट थे, व्यावसायिक जो एजेंट थे, कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, जो व्यापारी थे, वो अब नील के उत्पादन में ही पैसा लगाने लगे कि अब नील की खेती की जाए अधिक मात्रा में। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। लो जी लो, अब अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर, मतलब अब वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे नील का, उसके चक्कर में वो अपनी नौकरियां भी छोड़ के बैठ गए। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आ गए। अब भारी मुनाफे की उम्मीद में कि भारत में बहुत ज्यादा नील उत्पन्न की जाए, बेनिफिट उठाया जाए पूरा, तो उसके चक्कर में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आ गए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए और नील की खेती शुरू कर दी। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। जिनके पास, एक मिनट फ्रेंड्स, जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, तो उनको क्या था, कंपनी उनको और रुपए देने लगी। नए नए जो बैंक थे उस समय, वो उनको लोन देने को तैयार हो गए, तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक तो निज था और एक रैयती था। मतलब एक तो खुद का पर्सनल बिजनेस शुरू करने लग गए लोग, अपनी नील की खेती करने लगे, और दूसरा रैयती था, मतलब दूसरे किसानों से पैदा करवाई जाती थी, राजस्व वसूला जाता था। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, तो ये थी नील उत्पादन के दो मुख्य तरीके। निज खेती की समस्याएं, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। निज खेती मतलब अपनी खुद की पर्सनल खेती। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। अब नील की जो खेती थी वो अनुपजाऊ भूमि पर नहीं हो सकती थी, उपजाऊ भूमि पर ही होती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी, और उपजाऊ जमीन थी उस पर पहले से ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे 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 मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे।
तो छोटे मोटे कोई खेती उनके हाथ लग पाते थे जो लोग निज खेती करना चाहते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत होती थी, लेकिन उन्हें वो मिल नहीं पाते थे। छोटी मोटी जमीन ही उनके कुछ हाथ लग पाती थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए। अब नील की जहाँ फैक्ट्री हुआ करती थी, वहां पे पट्टे पर उन्होंने जमीन लेने की कोशिशें की और वहां के किसानों को हटवा दिया, और वहां पे जो किसान लग रहे थे उन्हें हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। अब इससे फिर अब वो लोग ऐसा करते थे तो इससे लड़ाई होती थी, टेंशन होती थी। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। अब ऑब्वियस सी बात है, बागान बड़े होंगे तो मजदूरों की संख्या भी ज्यादा चाहिए होगी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे। अब धान की खेती भी होती थी, ऐसा थोड़ी भाई नीली नील पैदा हो, खाने पीने की चीजें भी तो उगानी होती थी ना। तो धान की खेती में जब किसान ज्यादा बिजी होते थे, उसी समय नील की खेती में भी जरूरतें उनकी बहुत ज्यादा होती थी। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। अब बैल भी बहुत चाहिए होते थे, पहले ट्रैक्टर ट्रॉली थोड़ी चलते थे, मशीन थोड़ी थी पहले खेत जोतने के लिए, बैल ही होते थे। तो अब जब खेती ज्यादा बढ़ रही है तो किसानों की जरूरत भी ज्यादा होती है, किसानों की जरूरत होगी तो हल बैलों की भी जरूरत ज्यादा होगी। तो मतलब 1 बीघा नील की खेती करने के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1,000 बीघा जमीन है तो उसे 2,000 हलों की जरूरत पड़ती थी। देखिए, किसी के पास अगर 1,000 बीघा जमीन है तो नील की खेती के लिए उसे 2,000 हलों की जरूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक भी एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। अब किसानों से भी नहीं ले सकते थे इतने अधिक मात्रा में, क्योंकि वो खुद अपना भी काम करते थे, अपनी भी उनकी खेती होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। तो इस वजह से वो निज खेती में मतलब कोशिश उनकी कमी रहती थी कि हम करें, क्योंकि ये सब उनकी समस्याएं सामने आ रही थी। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। तो जो निज खेती वाली जो जमीन थी वो 25% से भी कमी कमी रह जाती थी। बाकी जमीन रैत व्यवस्था के अंतर्गत ही आती थी, और बाकी जमीन रैत व्यवस्था के अंतर्गत ही आती थी। मतलब किसानों से ही बोल दो कि तुम अपनी जमीनों पे खेती करो नील की और हमें बेचो। रैतों की जमीन पर नील की खेती। अब क्या आता है, रैतों की जमीन पर नील की खेती। रैती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैतों के साथ, रैत मतलब किसानों के साथ, एक एग्रीमेंट करते थे, अनुबंध करते थे, सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। और कभी कभी वो मतलब जो गांव के जो मुखिया होते थे, सरपंच होते थे, वो उन्हें फोर्स करते थे कि तुम अपने गांव के किसानों को समझाओ। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था, और जो लोग मान जाते थे तो उन्हें बागान के जो मालिक होते थे उनसे कम इंटरेस्ट पे वो कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, ठीक है ना। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। बागान के जो मालिक थे वो बीज और उपकरण मुहैया करवाते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने का जिम्मेदारी पूरी पूरी काश्तकारों के ऊपर ही रहती थी। बीघा क्या होता है? बीघा एक जमीन को मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। एक मेजरमेंट की एक इकाई होती है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। मतलब ब्रिटिश शासन से पहले बीघा अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका जो क्षेत्रफल था करीब बीघे का, वो 1/3 एकड़ तय कर दिया उन्होंने। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था, और वही चक्र दोबारा चलता रहता था।
जब कटाई हो जाती थी, फसल हो जाती थी, कटाई के बाद बगान मालिक को वो फसल सौंप दी जाती थी, तो उन्हें नया कर्जा मिल जाता था दोबारा वो प्रोसेस शुरू करने के लिए। तो इसी प्रकार ये चक्र चलता रहता था। नील का उत्पादन कैसे होता था? देखो, ये देखो दिया हुआ है कि नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना, विलियम सिम्पसन का चित्र। अच्छा, तो यहाँ पे ये कारखाना है, ये नील की खेती हो रही है। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वैटस यानी कि हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3-4 कुंडों की जरूरत होती थी। प्रत्येक हौद यानी कि कुंड का अलग अलग काम होता था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था, है? अब फिर पौधे को किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और दूसरे हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद से ठीक नीचे होता था। ये दिए हुए ना हौद, ये रहे। तो ऐसे नील की खेती होती थी, नील उत्पन्न की जाती थी। दूसरे हौद यानी कि बीटर वॉट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। तो पहले हरा होता था वो, फिर नीला हो जाता था और उसके बाद उसमें चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और नील की पपड़ी धीरे धीरे नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था, और ऊपर साफ जो लिक्विड था वो निकल आता था। द्रव्य को छान कर अलग कर दिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे होती थी नील को बनाने का जो ये प्रोसेस है। देखो, बिक्री के लिए नील तैयार की जा रही है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं। ये मोहर लग रही है। पीछे वाले हिस्सों में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ठीक है, ये देखो, मजदूर इनको सुखाने के लिए ले जा रहा है। हाँ, तो हम क्या आते, चक्र शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें धीरे धीरे मतलब समझ में आ गया कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वे बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला भी कभी खत्म ही नहीं हुआ। एक बार कर्ज ले लो तो कभी वो चुकता ही नहीं था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। अब जो बागान मालिक थे वो चाहते थे कि किसान अपने मतलब बहुत ही जो उपजाऊ उनके खेत होते थे उसमें वो नील की खेती करें, जिससे कि उन्हें अच्छी से अच्छी नील मिल सके। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अब किसानों के साथ प्रॉब्लम हुई क्या? जो बागान जो मालिक थे वो तो बोलने लगे कि तुम भैया अपने अच्छे वाले खेतों में नील की खेती करो। लेकिन नील की खेती करने से उनकी जो खेतों की जो उपजाऊ क्षमता थी वो खत्म होती जा रही थी, जिससे कि वो धान की फसल वहां पे नहीं बो पा रहे थे, वहां की खेती धान की खेती वो नहीं कर पा रहे थे। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। अब 1859 आते आते हजारों जो रैयत थे, किसान थे, उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे भाई अब नील की खेती। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। अब जैसे जैसे ये विद्रोह बढ़ता गया किसानों का, अब उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं चुका सकते आपका लगान। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। अब वो क्या थे, अब तलवार, भाले, अपने तीर कमान ले लेके नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे, उनको खत्म करने लगे। औरतें अपने बर्तन ले लेकर के लड़ाई में कूद पड़ी, औरतें भी लड़ने लगी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। अब बागान मालिकों के लिए काम करने वाले समाज वालों का सामाजिक बहिष्कार हो गया।
बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता एजेंटों की पिटाई की गई। लो अब एजेंटों की भी पिटाई कर दी किसानों ने कि तुम कैसे जा रहे हो मालिकों के पास, बगान मालिकों के पास वसूली के लिए। रैतों ने कसम खा ली थी कि ना तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों और लठिया मतलब लठियाधारी जो गुंडे थे, मालिक जो बागान मालिक थे वो पिटवाते थे किसानों को जब वो विद्रोह करते थे। तो उन्होंने भाई ठान लिया कि ना तो हम कर्जा लेंगे, ना खेती करेंगे और ना ही डरेंगे इनके गुंडों से। नील के किसान चुप बैठने को तैयार ही नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। इसमें कोई शक नहीं था मतलब कि बहुत दमनकारी थी नील की खेती। लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते थे, लेकिन जो लोग दबे होते थे बेचारे बिल्कुल ही असहाय होते थे वो लोग बगावत नहीं करते थे। ऐसा कभी कभी होता था। 1859 में नील रैतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। अब बागान मालिकों को क्या लगा कि ये जो खिलाफत जो चल रही है किसानों के द्वारा, इसमें मैं हो सकता है जो स्थानीय जो जमींदार हैं मुखिया हैं वो भी उनकी हेल्प कर दें। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत करवाए गए थे उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई की। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। अब किसानों को लग रहा था कि हो सकता है कि जो अंग्रेजी सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो उनकी हेल्प करे। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापार विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। अब ब्रिटिश सरकार तो डरी हुई थी भाई कि एक और व्यापार विद्रोह ना हो जाए कहीं। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। अब जब ये खबर फैल गई कि बगावत हो रही है, विद्रोह हो रहा है, तो 1859 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। रैतों को क्या लग रहा था कि भाई अंग्रेज सरकार परेशान हो रही है हमारी ऐसी कंडीशन देख करके। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब उन्होंने जो नोटिस जारी किया उसमें लिखा था कि किसानों को नील का अनुबंध मानने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा, उनसे जबरन दबाव उन पर नहीं डाला जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। अब इस नोटिस से लोगों में क्या अफवाह फैल गई, क्या खबर फैल गई कि जो उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने नील की खेती खत्म करने का हुक्म दे दिया कि अब बंद करो नील की खेती। किसानों को लग रहा था कि सरकार हमारे साथ दे रही है, ब्रिटिश सरकार, वो हमारी जो जो कंडीशन है उसको देखते हुए दुखी हो रहे हैं, तो इसलिए क्वीन विक्टोरिया ने नील की खेती बंद करने का आदेश दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्यवाही को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। अब जब वो विद्रोह को शांत करने की कोशिश कर रहे थे ईडन ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर, तो किसानों को लगा कि ये हमारे साथ दे रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। अब विद्रोह फैलता गया, कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के पास थी, तो कलकत्ता के जो पढ़े लिखे जो लोग थे वो नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। अब उन्होंने क्या किया, पढ़े लिखे लोगों ने, अब ये जो विद्रोह जो फैल रहा था उसकी पूरी जो कहानी थी, प्रोसेस था, वो उन्होंने लिखना शुरू कर दी। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। अब भैया सेना बुलानी पड़ गई बागान मालिकों की रक्षा के लिए, क्योंकि विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया, नील आयोग भी बन गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और आयोग ने पाया कि जो बागान मालिक हैं वो वाकई में दोषी हैं।
जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना भी की गई कि उनको इस चीज का दोषी भी माना गया कि उन्होंने किसानों से जोर जबरदस्ती करवा करके अपना काम करवाया है। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। तो अब आयोग ने क्या निर्देश जारी कर दिया कि अभी जो एग्रीमेंट है तुम लोग उसे कंप्लीट कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी हो, आगे जब ये एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाए तो तुम मत करना भाई अनुबंध, मत करना एग्रीमेंट, मत करना बागान मालिकों के साथ, लेकिन जो अभी है उस टाइम पीरियड को कंप्लीट कर दो। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। अब ये जो बगावत हुई उसमें नील का उत्पादन तो पूरी तरह से धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। अब बिहार आ गया उनकी नजरों में। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। अब नील की खेती तो बंद हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, हम कह सकते हैं पूरी तरह से तो बंद नहीं। तो अब आर्टिफिशियल कलर बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे जो नील जो व्यवसायी थे उनका व्यवसाय प्रभावित होने लगा। फिर भी वो उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर के, चंपारण जो जगह का नाम है, वहां पे नील उनसे कहा, महात्मा गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप लोग आइए, आप आइए और नील जो किसान है उनकी दुर्दशा को देखिए। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो अब ये जो दौरा था महात्मा गांधी जी का नील बागानों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की, यूं कह लीजिए कि शुरुआत हो गई। अब ये देखिए वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन हो रहा है, ये उसी के बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। निम्नलिखित के जोड़े बनाए, रैयत, महाल, निच और रैयती। क्या आप लोग मुझे इसके आंसर्स देंगे? तो चलिए मैं देखती हूँ कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आप लोगों को कितना समझ में आए। तो मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के आंसर्स का। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपने आंसर्स शेयर जरूर करिए। ठीक है, रिक्त स्थान भरे। यूरोप में वोट उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। किससे खतरा दिखाई देता था? वोट उत्पादकों को अपनी आमदनी में गिरावट का। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी। किसके कारण 18वीं सदी में नील की मांग जो थी वो बढ़ रही थी? डैश की खोज से नील के अंतरराष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। किसकी खोज हो गई थी जिससे नील की खेती पर बुरा असर पड़ रहा था? चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? ये सब आंसर्स मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी होती है तो आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो पाते हैं दैट इज वेल एंड गुड, नहीं हो पाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपने व्यू शेयर करिए, मैं आप लोगों को उसके आंसर्स बताऊंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।